संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को ध्यान में रखते हुए अब लॉकडाउन में दुकानदारों को तय किए गए समय के अंदर ही अपनी दुकानें खोलनी पड़ेगी। इसके लिए प्रशासन ने समय तय कर दिया है। इसके अलावा बाजारों में राइट एंड लेफ्ट के हिसाब से भी दुकानों को खोला जाएगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय विभाग को व्यवस्था बनानी होगी। लेकिन इसमें भी कुछ दुकानदार काफी कंफ्यूज नजर आए, लेकिन कुछ दुकानदारों ने इसे सरकार का अच्छा फैसला बताया। ये नए आदेशों के अनुसार जो अपना डेयरी प्रोडक्ट्स वाले हैं, जो मिल्क वगैरह है, उनको अपना डेली सुबह 5 से 9 बजे तक और इवनिंग में 5 से 7 बजे तक है। और इसके अलावा जो अपना ओनली ग्रोसरी वालों के लिए है, उनका लेफ्ट राइट के अनुसार है, हफ्ते में 3 दिन, मतलब 1 दिन लेफ्ट साइड का और जो अगले दिन राइट साइड, इस हिसाब से उनका जो प्रोसेस इसमें मनाया गया। और उनका जो टाइमिंग है वो 9 से 6 बजे। सर, और भी कुछ गतिविधियाँ जैसे जो नहीं मान रहे उनके लिए कोई चलान के लिए अलग टीमें बनाई गई है? उनके लिए नजर प्रसाद द्वारा जो अलग टीमें गठित की गई हैं, जैसे कि कोई मास्क के रिगार्डिंग चलान उनके करवाए जा रहे हैं, अगर कोई आदेशों की अवहेलना करता है तो उसका भी चलान काटा जा रहा है, अगर किसी ने खोली हुई है तो उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। डेयरी वालों के लिए क्या?